गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिस तरह से हर घर से एक ही आवाज निकल रही है, केजरीवाल और झाड़ू निशान, आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साजिशें, झूठे मुकदमे, झूठी जांचें कराने के खेल में लग गए हैं। दिल्ली शराब नीति पर चल रहे शह और मात के खेल में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर पलटवार किया है। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने मंगलवार को देश के अलग अलग ठिकानों पर चल रहे ईडी छापों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को निजी निर्देश दिया है कि वे देश भर में छापे मारकर कहीं से कुछ भी निकालें और उसे मनीष सिसोदिया से जोड़ दें। संजय सिंह ने इसके साथ ही नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए सवाल किया कि बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में 110 करोड़ रुपए का राशन घोटाला सामने आया है, सीबीआई इसकी जांच क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा कि गुजरात में हर साल 10,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला होता है, सीबीआई ईडी ने अब तक इसकी जाँच नहीं की। संजय सिंह ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के अच्छे कामों को रोकने के लिए इसे परेशान किया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल की छवि धूमिल की जा रही है। तो सीबीआई को जब कुछ नहीं मिला तो सीबीआई को मोदी जी ने बहुत जबरदस्त डांट लगाई, बोले रे तुमने तो क्लीन चिट दे दिया, कुछ निकला ही नहीं मनीष सिसोदिया के घर, ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे हमारा प्रोपेगंडा का प्रचार, कैसे हमारा झूठा प्रचार चलेगा। तो अब ईडी लगाओ और मनीष सिसोदिया के घर कुछ नहीं मिला, ठीक है पूरे देश भर में छापेमारी करो, कुछ भी करो, कहीं से भी कुछ निकालो और उसको मनीष सिसोदिया से जोड़ दो। ईडी को साफ तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है पूरे देश में छापेमारी करके कुछ भी निकालो, जो भी सोना संपत्ति किसी के भी घर से मिले उसको शाम को टीवी चैनल पे खबर चलवानी है, मनीष सिसोदिया से उसको जोड़कर रखना है। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं इस प्रकार की कारगुजारियां बंद कर दीजिए, पूरे देश के सामने आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है, पूरे देश के सामने आपकी पार्टी का दोहरा चेहरा बेनकाब हो चुका है। सीएजी के ऑडिट में 110 करोड़ रुपए का राशन घोटाला शिवराज सिंह जी की सरकार के खिलाफ मिला, कोई सीबीआई ईडी उनके खिलाफ जांच नहीं करती, जहरीली शराब में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, गुजरात के अंदर लगभग 10,000 करोड़ का काला कारोबार शराब का हर साल होता है, कोई ईडी सीबीआई की जांच वहां पर नहीं हुई, लेकिन दिल्ली की सरकार को तंग करना है, अरविंद केजरीवाल को रोकना है, अरविंद केजरीवाल के कामों को रोकना है, अरविंद केजरीवाल को तंग करना है, अरविंद केजरीवाल की छवि को धूमिल करने के लिए कुत्सित प्रयास करना है, क्योंकि वो शिक्षा पे काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, बिजली पे काम कर रहे हैं, पानी पे काम कर रहे हैं, उनके मॉडल की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। और सबसे ज्यादा बौखलाहट तो गुजरात की वजह से है, गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिस तरह से हर घर से एक ही आवाज निकल रही है, केजरीवाल और झाड़ू निशान, आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साजिशें, झूठे मुकदमे, झूठी जांचें कराने के खेल में लग गए हैं। पूरा देश आपको देख रहा है प्रधानमंत्री जी कि आपकी जांच एजेंसियां किस प्रकार से काम कर रही हैं, किस प्रकार से दुर्भावना से एक के बाद एक कार्रवाई कर रही हैं।